हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतु राव और आज हम बना रहे हैं कपकेक्स। उसे बनाने के लिए यहाँ हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो यहाँ हमने लिया है मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दूध, टूटी फ्रूटी, दही, शक्कर का पाउडर, तेल, विनेगर, और यहाँ लिया है वेनिला एसेंस, पाइनएप्पल एसेंस और फूड कलर। और यहाँ हमने लिए हैं पेपर कप्स। तो पेपर कप्स और जो पेपर जो मफिन ट्रे होता है वो यूज़ किया है हमने इसमें। तो बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। हमने एक लिया है बाउल, कोई भी बर्तन ले लेना है। उसमें ऐड कर देंगे तेल, शुगर पाउडर और दही। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे मिक्स करते वक्त ध्यान रखना, इसमें लम्स टाइप का कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल जो क्रीमी टेक्सचर होता है उस टाइप का आ जाना चाहिए। तो अब इसमें डाल देंगे वेनिला एसेंस। और कुछ बूंदी डाल देंगे पाइनएप्पल एसेंस की। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे फूड कलर। फूड कलर की भी कुछ बूंदे ही डालेंगे। ये हमने लेमन फूड कलर लिया है ये। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें ऐड कर देंगे विनेगर। ये सभी अच्छे से ऐड कर हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे मैदा। तो मैदे को पहले हम छान लेंगे। तो छन्नी में हमने मैदा डाल दिया है। इस पर डाल देंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह बैटर काफी गाढ़ा सा है। हम इसमें ऐड करेंगे दूध। और दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि बैटर हमारा जो है उसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर बने। और जो लास्ट में थोड़ा सा दूध बचा है इसे हम लास्ट में यूज़ कर लेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे टूटी फ्रूटी। तो हमने जो लास्ट में दूध बचा था उसे भी इसमें डाल के मिक्स कर लिया है। और अब ऐड करते हैं टूटी फ्रूटी को। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो इस वक्त इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारी कपकेक की प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमको मिल चुका है और इसे हम अच्छे से मिक्स भी कर लिए हैं। अब इसे ऐड करेंगे पेपर कप्स में। और पहले ही हमने जो ओवन है उसे प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। और पेपर कप में डालते वक्त में भी ध्यान देना है, एकदम हमें ऊपर तक की फिल नहीं करना है, इसे यानी भरना नहीं है, हाफ हाफ इसमें हम भर लेंगे। ताकि ये जब फूल जाए तो ये ऊपर तक के फूले पेपर कप से बाहर ना निकले। तो इसमें देख सकते हैं हमने बिल्कुल हाफ हाफ भर लिए हैं और ऊपर से हमने टूटी फ्रूटी डाल दी हैं। तो इसे अभी बेक करने के लिए रख देते हैं। तो मैंने 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए इसे बेक करने के लिए रखना है। तो हमारे मफिन्स बनके रेडी हैं, इसे हम ठंडा होने पे सर्व करेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।